हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एआरस कुकबुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ महाराष्ट्र की फेमस चटनी थेचा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। थेचा दो टाइप का बनता है, एक हरी मिर्च का, एक लाल मिर्च का। मैं आज हरी मिर्च से थेचा बनाने वाली हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे। आप तवा भी ले सकते हैं या नॉनस्टिक पैन, जो भी पैन लेना चाहें ले सकते हैं। पैन गरम हो गया है, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। मैंने ये लंबी कम तीखी वाली हरी मिर्च ली है, जिसका कलर पैरेट ग्रीन होता है। आप अगर तीखा पसंद करते हैं तो आप लौंगी मिर्च, जो डार्क ग्रीन कलर की होती है, वो भी ले सकते हैं। अब इसमें मैंने मिर्ची को हाथ से तोड़ के डाला है। आप चाहें तो उसे पूरा भी डाल सकते हैं, मतलब बिना तोड़े। मेरे 250 ग्राम्स तक मिर्ची हैं। 2-3 मिनट तक हमें इसे पकने देना है। जैसे मिर्ची के ऊपर स्किन वाइट हो जाती है, उसी तरह। जो लोग अचार खाना पसंद करते हैं पर खट्टा उन्हें सूट नहीं होता है, उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें खटाई नहीं पड़ती। इसे स्टर करते रहेंगे। महाराष्ट्र में इस चटनी को ज्वार की बाकरी, चावल की बाकरी और खाने के साथ भी सर्व करते हैं। फेरी वाले इसे पकौड़े के साथ भी देते हैं। अब इसमें मैं 1/2 कप लहसुन की कलियां डाल रही हूँ। 3 से 4 लहसुन के जो गड्ढे रहते हैं, उतना लहसुन है। 65 to 70 ग्राम्स तक। इसे भी हमें मिर्ची के साथ पकाना है। लगभग 2 मिनट हो गए हैं। देखिए, मिर्ची के ऊपर वाइट स्पॉट्स आ गए हैं। वाइट स्पॉट्स देखिए, इस तरह कैमरा में कम दिख रहे होंगे, पर वो आ गए हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे इसी तरह पकाना है। सब मिर्ची एक जैसे पकें, इसीलिए इसी तरह स्टर करते रहना है। अब कढ़ाई में मिर्ची साइड करके थोड़ा सा हल्का सा तेल डाला है मैंने। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा डालूंगी मैं। अगर जीरा पहले डाल देते तो वो जल जाता। अब इसमें 1/2 कप पीनट्स डाले हैं मैंने। 2 बाउल मिर्ची थे हमारे, उसके सामने उसका 1/4 हमने गार्लिक और 1/4 पीनट्स डाले हैं। पीनट्स को मैंने 5 मिनट्स तक ड्राई रोस्ट करके उसके छिलके निकाल लिए हैं। अब इसमें 1 चम्मच, या आपके टेस्ट के अनुसार, मैंने समुद्री नमक डाला है, रॉक सॉल्ट। आप चाहें तो घर का नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं। सारे मिर्ची अच्छी तरह से पक गए हैं। अब गैस ऑफ कर लेते हैं। मैंने इसे मोर्टर या मैशर, जैसे ओखली भी बोलते हैं, उसमें डाल दिया है। पुराने समय में तो ये सलवट्टे पे पीसा जाता था। इस तरह से गरम गरम ही मैश करना है। थेचा इसका नाम इसीलिए है क्योंकि इसे इस तरह ठेचते हैं। आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। इसे ग्राइंडर में डाल के 13 to 15 सेकेंड्स के लिए ग्राइंडर को स्लो मोड पे चला के, फिर बंद करके, फिर स्पून से ऊपर नीचे करके, फिर 10 to 15 सेकेंड्स के लिए ग्राइंडर में चलाना है। इसकी फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं करनी है, इसके थोड़े चंक्स ही रहने देने हैं। तो देखिए, तैयार हो गया हमारा थेचा। आप इसे 15 से 20 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए